हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 23 सेप्टेम्बर गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार तरफ बदलिला मेडिकल नियम, यह सहित छात्र छात्री मान बड़ खबर आसूची पुणी लघुचाप। तेज आसत नजर पक आज सकाल बड़ खबर गुड़िक कौन रही। तेज नुआक आम चैनल को आसी वीडियो को प्रथम गोटे लाइक करूँ, यह सहित चैनल को सब्सक्राइब करने सहित अल बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु और आपणकर सुंदर मतामत दिंतु। नंबर एक, मंदिर रे 18 वर्ष रु कम विवाह मना। मंदिर रे लागिबो बाल्य विवाह सचेतनता बोर्ड। मंदिर कर्मकर्ता और पुरोहित मानंकु दियाजिबो दायित्व। मंदिर बोर्ड रे लेखा रहिबो बाल्य विवाह काहाकु कुहा जाय, केउ वयस रे विवाह करबा उचित, एने लोक मानंकु सचेतनता करबा लागि मंदिर रे एभळी बोर्ड लगाजिबो। तेबे ओडिसार प्रतिटी मंदिर रे बाल्य विवाह रो कु परिमाण ओ याहाकु बन्द करबा लागि बोर्ड लगाजिबो। मंदिर रे अधिकारी और पुरोहित माने विवाह कार्य करिबा आगरु बयस जांच करिबा बाध्यतामूलक करा जिवो। नंबर दुई, बलांगीर रे स्वास्थ्य कार्ड बांटिले मुख्यमंत्री। बलांगीर विकास रे जोड़ी होई नुआ अध्याय। बुधवार दिन बलांगीर गस्तरे जाई मुख्यमंत्री जिले में 200 कोटी टंकार उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करने सहित 597 कोटी टंकार प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। यह सहित मुख्यमंत्री हरिशंकर पीठर विकास पई भित्तिप्रस्तर मध्य स्थापन करिसंती। यह सहित BSKY योजनार शुभारंभ करिसंती। अवसर में हिताधिकारी मानंकु मुख्यमंत्री स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटन करिसंती। नंबर तीन, चलित वर्ष NDA परीक्षा देबे महिला। चलित वर्ष नेशनल डिफेंस एकेडमी बा NDA परीक्षा रे महिला मानंकु अनुमति देबाकु सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइचंती। NDA रे महिला मानंकु परीक्षा देबाकु सुजोग देबा प्रक्रिया चलित वर्ष स्थगित रखिबा लागि केन्द्र सरकार करिथिबा आवेदन को खारज करिचंती कोर्ट। आसंता वर्ष मे मासरे NDA परीक्षा रे महिला मानंकु सुजोग दियाजिबो बोली केन्द्र सरकारंक आवेदन को कोर्ट ग्रहण करिनाहंती। नंबर चार, राज्य रे बढ़िला टीकाकरण केन्द्र। ओडिशा रे अधिकरु अधिक लोक टीका देबा लागि टीकाकरण केन्द्र बढ़ाईचंती सरकार। टीकाकरण को त्वरान्वित करने को राज्य रे अधिक 174 टीकाकरण केन्द्र खोल जाइछि। एने सूचना देइचंती परिवार कल्याण निर्देशक डाक्टर विजय पाणिग्राही। से कहिचंती पूर्वरु राज्य रे 1600 टीकाकरण केन्द्र थिला, एबे एही संख्या 1774 को वृद्धि पाइछि। नंबर पाँच, मरामती हेबो मुकुला ड्रेन। भुवनेश्वर सहर रे 75 संवेदनशील स्थान चिन्हट होइछि। मुख्यतः जो स्थान रे अधिक जलबंदी हुए ड्रेन समस्या उपजे ताकु चिन्हट करी यार रिव्यू करा जाइछि बोली BMC कमिश्नर संजय कुमार सिंह कहिछंती। केउ कारण जोगु जलबंदी हेउछि यार समाधान उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। प्रथम पर्याय रे पानी निष्कासन क्षमता को बढ़ा जिवो या ऊपर एबे फोकस करा जाउछि बेली BMC कमिश्नर कहिचंती। नंबर छः, आंध्र मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिले धर्मेन्द्र। आंध्र प्रदेश और ओडिशा सीमावर्ती जिला कोरापुट एवं गजपति जिलार गाँ गुड़ी को नहीं सृष्टि होइथिबा विवादर आपस समाधान करने को केन्द्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बुधवार दिन आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को पत्र लिखि व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने को अनुरोध करिसंती धर्मेन्द्र। नंबर सात, पाकिस्तान आकाशपथरे गले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली आमेरिका गस्त करिसंती। तेबे से आमेरिका जिबा समय रे अफगानिस्तान आकाशपथ दे न जाई पाकिस्तान आकाशपथ दे आमेरिका गस्त करिसंती। तेबे प्रधानमंत्री आज जापान और ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री को भेटिबे। या सहित आमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हरिस को भेटिबे। 24 तारीख दिन वाशिंगटन रे बाइडेन को भेटिबे। 25 तारीख दिन वाशिंगटन रे किसी कार्यक्रम रे शामिल हेबे। नंबर आठ, आज राज्य में 5 जिले में वर्षा। पुणी ओडिशा रे छेचिबो वर्षा, लघुचापर रूप नहीं सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय। 24 घंटा मध्य उत्तर ओडिशा और अभ्यंतरण ओडिशार किसी जिले में प्रबल वर्षा हेबो। सेहिपरि बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर और ढेंकानाल जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे 25 तारीख में आउ एक लघुचाप सृष्टि होउछि। 26 तारीख राज्य में पुणी वर्षा हेबो। विशेषकर उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशा जिला मानकरे एही लघुचापर प्रभाव अधिक रहिबो। नंबर 9, जलका नदी रे हेला घाई।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଉଛି ବନ୍ୟା। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଥିବା ଜଳକା ନଦୀରେ ଆଜି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଫଳରେ ଏକତାଳି ଗାଁ ନିକଟରେ ନଦୀବନ୍ଧରେ 500 ଫୁଟର ଘାଇ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବସ୍ତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ନମ୍ବର 10, ପୁଣି ଆସିପାରେ ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ୟା। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଭରି ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଳ ରହିଛି 629.21 ଫୁଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଏବେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରେ। ନମ୍ବର 11, କରୋନା ମୃତକଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ପରେ ଏ ନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ NDMA। କୋଭିଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିହାର ସରକାର 4 ଲକ୍ଷ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର 1 ଲକ୍ଷ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଭଲ କହିଲେ ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ BSKYକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ମିଳିବ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ନମ୍ବର 13, ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ହେବ OJEE ପରୀକ୍ଷା। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ହେବ OJEE ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା IIT ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ July 3ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14, ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫି ଛାଡ଼ କଲା CBSE। କୋଭିଡ଼ରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ CBSE ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋଭିଡ଼ରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଫି କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ CBSE ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, DRDO ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲା। DRDOରୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲା ହାନି ଟ୍ରାପ୍କୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ 2020ରୁ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା। ତେବେ କେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ମିସାଇଲ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 16, ବଦଳିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ନିୟମ। ଏଣିକି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବେ ଏହା ଉପରେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 17, ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେବ ଖୋଖୋ ଖେଳ। କବାଡ଼ି ପରି ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଖୋଖୋ ଖେଳ, ଏ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖୋଲିବ ଖୋଖୋ ଏକାଡେମୀ। ଏହା ସହିତ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଖୋଖୋ ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ଚମକିବ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ।
खूब शीघ्र पठाणी सामंत प्लानेटोरियम रूपरेख बदली जिबो। नुआ टेक्नोलॉजी द्वारा यार चेहरा चमकी उठिबो। एथिपाई 42 कोटी टंका व्यय बराद करा जायचे। या सहित टंका अनुमोदन को मंजूरी मिली सारिथिबा जणा पडिचे। यार भितरे प्लाट स्क्रीन 3D प्रेक्षालय निर्माण करा जिबा सहित बाहर परिवेश को चकाचक करा जिबो। पार्किंग व्यवस्था करा जिबा सहित फूड कोर्ट और ओपनिंग डाइनिंग व्यवस्था रहिबो। नंबर 19 भारतर कड़ा विरोध पर ब्रिटेन कोहल कला टीका नीति। ब्रिटेन रे कोविशील्ड टीका को नहीं कटकणा विरोध में भारत कड़ा समालोचना करने ब्रिटेन सरकार तरफ नुआ यात्रा नीति करा जाई कोविशील्ड टीका को मंजूरी दिया जाइछे। भारतर कड़ा चेतावनी पर दुई डोज वैक्सीन नहीं भारतीय नागरिक माने ब्रिटेन यात्रा उपर कटकणा को हटाई देइछे ब्रिटेन। कोविशील्ड टीका नहीं 10 दिनिया पूर्वर संगरोधर व्यवस्था थिला एहाकु एबे हटाई ब्रिटेन। नंबर 20 जातिसंघ रे काश्मीर प्रसंग उठाइला तुर्की। जातिसंघ साधारण परिषद बैठक में तुर्की को दृढ़ जवाब देइछि भारत। तुर्की राष्ट्रपति सिरिपे तायब काश्मीर प्रसंग उठाइबार किछि घंटा पर भारत साइप्रस कथा उठाई तुर्की को घेरिछि। तेबे गतकाली जातिसंघ रे तुर्की राष्ट्रपति काश्मीर प्रसंग उठाइबा सहित जातिसंघ अधीन रे एही प्रसंग शांतिपूर्ण समाधान पई दाबी करथिला। नंबर 21 भारतर हेब फ्लाइंग कार। विमान भली आकाशरे उड़ीब कार। खूब शीघ्र आपण उड़ता कारे बसी विभिन्न स्थान को यात्रा करि परिबे। एथिपई आपण को विदेश को जिबा को पड़िबनी। भारतर कारे बसी आपण आकाशरे उड़ीबार स्वप्न पूरण करि परिबे। पूर्वरु अमेरिकार फ्लोरिडा रे एभियन्स फ्लाइंग कार उड़ीबा को अनुमति दे सारिछे। चेन्नई रे एक स्टैंडअप कंपनी द्वारा हाइब्रिड फ्लाइंग कार एबे तयारी करा जाउछि भारतरे। नंबर 22 आज अग्नि 5 परीक्षा कर भारत। आज भारत अग्नि 5 क्षेपणास्त्र व्यवहारकारी परीक्षा करने को जाऊँचे। परमाणु अस्त्रशस्त्र बहन कर क्षेपणास्त्र एवं अष्टम थर परीक्षा होगा जाऊँचे। 5000 किलोमीटर विशिष्ट रेंज रे मिसाइल राडार रे चाइनार अनेक सहर आसब। तबे एथिपाई प्रस्तुति सरी आज यह उत्क्षेपण हो भारत चलित बर्ष जून रे अग्नि प्राइम परीक्षा करथिला। अग्नि 6 रो काम एबे चली। नंबर 23 स्टार प्लस रे बक्सी जगबंधु वीरत्व। एबे सारा देश देखिबो प्रथम स्वाधीनता संग्राम और बलिदान अमर गाथा। टीवी चैनल स्टार प्लस और हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म रे खूब शीघ्र रिलीज होगा जाऊँचे धारावाहिक विद्रोह जो रही बक्सी जगबंधु वीरत्व देश प्रेमर कालजयी कहानी। नंबर 24 10000 सस्ता हेलानी सुना दर। आज भारतीय बाजार रे सुना दर ह्रास पाइछे। आज दिल्लीर MXC मार्केट रे सुना प्रति 10 ग्राम को 46333 टंका रहिछे। सेहिपरि रूपा प्रति किलो को 0.49% वृद्धि पाइछे अर्थात रूपा प्रति किलो को 60080 टंका रे रहिछे। सेहिपरि गत वर्ष अगस्त मासरे सुना प्रति 10 ग्राम को 56000 टंका थिला जहां एबे 46000 टंका अछि। गोटे वर्ष मध्यरे 10000 सस्ता होइछि। नंबर 25 IPL रे पसिला कोरोना। दीर्घ समय व्यवधान पर UAE रे IPL मैच खेला जाउछि। बड़का मैच आरंभ होबा पूर्वरु चतुर्थ दिन रे चिंताजनक खबर आसीछि। सनराइजर्स हैदराबाद रो जने खेलाड़ी को कोरोना होइथिबा जणा पड़िछि। तांकर संस्पर्श आसीथिबा अन्य समस्त 6 जण खेलाड़ी को एबे आइसोलेशन रे रखा जाइछि। नंबर 26 खोखो रे मध्यप्रदेश को हराइला ओडिशा। बिजु पटनायक इंडोर स्टेडियम रे बुधवार ठारु आरंभ होइछि जातीय जूनियर खोखो चैंपियनशिप। ओडिशार बालक दल विजय होगा सहित सेमानकर अभियान को आरंभ करिछंती। ओडिशा 22 पॉइंट एवं गोटे इनिंग्स रे मध्यप्रदेश को परास्त करिछि। नंबर 27 अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप रु बाहरी जाई पारे। आगामी मासरे UAE और ओमान रे खेला जिबो T20 वर्ल्ड कप। तबे एही विश्वकप खेला जिबा पूर्वरु तालिबान शासित अफगानिस्तान टीम भाग नेबार थिला किंतु ए स्वप्न एबे अधारु धराशायी होइछि। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम T20 विश्वकप रे भाग नेबे नाही बोली जणा पड़िछि।
नंबर 28 जीतिला दिल्ली। आईपीएल रे चलित संस्करण रे निजर सप्तम विजय हासिल करिछि दिल्ली कैपिटल्स। मात्र 135 रन रो पीछा करथिबा कैपिटल्स 2 विकेट हराई ओवर रे आवश्यकता रन संग्रह करि नैथिला। दिल्ली पक्षरो श्रेयस अय्यर 47 रन और शिखर धवन 42 रन संग्रह करथिले।